अब हमारे इतिहास को कोई छिपा नहीं सकता। और जो लोग चुरा करके अपना इतिहास बताना चाहते हैं, आज की इस रैली ने, आज के इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि गुर्जर सम्राट मिहिर बोस गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर रहेंगे। बड़ा, बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते, चंदा इसमें इकट्ठा हुआ है। और आप समझिए कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा 10 तारीख को यात्रा निकलेगी, फिर 18 तारीख को पंचायत में कहा कि हमें परमिशन मिल रही है, 25 तारीख में निकलेगी, फिर कहा 28 तारीख की परमिशन हो रही है, और 29 तारीख का समय भी उन लोगों का ही धरा हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाँव गुवांड में। अभी कुछ देर पहले गुर्जर गौरव यात्रा सहारनपुर जिले के गाँव फंदपुरी में समापन हुई, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर तक के लोग इसमें शामिल हुए। यात्रा गुर्जर सम्राट मिहिर बोस को लेकर थी, राजपूत समाज उन्हें अपना बताता है, वहीं गुर्जर समाज भी उनको अपना बताने के लिए ताकत लगाए हुए है। आज लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सड़कों पर थे। यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चली और शांतिपूर्वक तरीके से ही समापन हुई। हमारे साथ में गुर्जर समाज के कर्ण कहे जाने वाले नेपाल सिंह कसाना जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो आज यात्रा हुई है उसके बारे में उनका क्या विचार है। नमस्कार जी। आज की गौरव यात्रा ने एक ऐतिहासिक अपना सबूत दिया है। ऐसी मैंने इस तरह की जोश, युवाओं के जोश की यात्रा मैंने पहली बार देखी है, जहां लाखों की संख्या, मैं जब से देख रहा हूँ करीब मुझे 3 घंटे 4 घंटे हो गए, ऐसी लाखों की संख्या जो स्वाभिमान की लड़ाई विशेषकर सहारनपुर के युवाओं ने लड़ी है, और साथ में जो बाहर से अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से जो युवा आए हैं, मैं पूरे गुर्जर समाज की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। और अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और इतिहास की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अगर इस तरह खड़े रहे तो जो हमारे पूर्वजों का शौर्यशाली इतिहास था, जिसको लोगों ने चुरा लिया था, पृथ्वीराज चौहान कौन है, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर है, चालुक्य कौन है, चालुक्य भी गुर्जर है, सोलंकी कौन है, सोलंकी भी गुर्जर है, आपके परमार वंश, परमार भी सम्राट गुर्जर है, जोगराज पवार, रामप्यारी गुर्जर, जिन्होंने 1398 में तैमूर को इसी धरती से, हरिद्वार से युद्ध करके 36 बिरादरी ने यहाँ पर उनको यहाँ से भगाया था। हमारा इतना शौर्यशाली इतिहास जो हमें पूरे देश के गुर्जरों को, ये इस बात का जो राष्ट्रभक्त कौम है उसके इतिहास को दबा दिया गया था, लेकिन अब हम पढ़ लिख चुके हैं, हम हमारे जवान इतिहास पढ़ते हैं और हम जैसे लोग उनको प्रेरित करते हैं, और सब बच्चे, एक एक बच्चा सारा इतिहास जान चुका है। अब हमारे इतिहास को कोई छिपा नहीं सकता। और जो लोग चुरा करके अपना इतिहास बताना चाहते हैं, आज की इस रैली ने, आज के इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि गुर्जर सम्राट मिहिर बोस गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर रहेंगे। उसको, इस इतिहास को कोई, इस गुर्जरों के इतिहास को मिटाने की हिम्मत पूरे वर्ल्ड में, यहाँ की बात तो छोड़िए जिले की, पूरे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करे। गुर्जर एकता है। जब जब कोई भी हमें चैलेंज करेगा, हमारे युवा इसी जोश के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने पूर्वजों के शौर्यशाली इतिहास को पन्नों में लिखवाएंगे। अभी तो हमारी लड़ाई केवल ये बताने की चल रही है, अभी हमारी लड़ाई है पाठ्य पुस्तकों में उनके उनके अध्याय लगवाने की, एक एक बच्चे को पढ़वाने की। धनसिंह कोतवाल हम हैं, धनसिंह 1857 के प्रथम क्रांतिकारी धनसिंह कोतवाल, बिजोलिया आंदोलन के किसान नेता कौन थे, विजय सिंह पथिक, सरदार पटेल हमारे हैं जिन्होंने 562 रियासतों को एक साथ कर दिया था, पूर्व गृह मंत्री और इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे हमारा शौर्यशाली इतिहास है, हमारे बच्चों के अंदर एक ऐसा DNA है जो राष्ट्रभक्त है, जो दूसरे समाज का मान सम्मान करता है, कमजोर लोगों को न्याय दिलाता है, सबकी रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है, सबसे प्यार से रहता है, लेकिन हमारी छवि को खराब कर रखा है। बिल्कुल, हमको ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग प्रचार दुष्प्रचार करते हैं जैसे पता नहीं हमको आतंकवादी है, हमें भूखे नंगे लोग समझते हैं। आओ सहारनपुर में जिनको देखना है, चलिए मेरठ में, चलिए गाजियाबाद में, चलिए हरिद्वार में, चलिए नोएडा में, चलिए बुलंदशहर में, चलिए मुरादाबाद में, बिजनौर में, अमरोहा में, हमारे जैसे मकान, आलिशान मकान जाटों में तो हैं,
लेकिन मैंने समझता हूँ ऐसे किसान जातों में पूरे देश में किसी के मकान नहीं है। हमारे हवेलियाँ 300 साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोग हमको ऐसे चिढ़ाते हैं जैसे हमको झोपड़ी झुग्गी के लोग, हम बड़े किसान हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े बाग हैं। आप इस जिले में देखिए कितने बड़े बड़े बाग हैं, कितने लोग धनाढ्य हैं। एक शिक्षा की कमी थी, अब हमारे युवाओं ने कलम उठा लिया और वो कलम उठा करके अपने इतिहास को खुद लिखेगी और ये दुनिया उस हमारे इतिहास को पढ़ेगी और फिर ये कहेगी कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय जाति है तो वो गुजर जाती है। ये एक दिन सबके सामने साबित हो जाकर हो रहा है जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित गुजर। वैसे तो अमित भाई जो है लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कुछ दिन पहले जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे तब भी सुर्खियों में थे और अब बातचीत करेंगे। क्या लगता है अमित भाई इसके बारे में क्या कहने वाले हैं, क्या कहोगे? जो यात्रा जो निकली आज गुजरों की, गुजरों ने पूरे जिले को दिखा दिया, पूरे देश को दिखा दिया है, क्योंकि बहुत सारे लाइव भी चले हुए थे और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप लगातार 6-7 दिन से शायद आप ढंग से सोए भी नहीं होंगे, खाया भी नहीं होगा। अब आप क्या कहोगे? आंदोलन यात्रा जो भी कार्यक्रम था समापन हो चुका है, क्या कहेंगे? धन्यवाद करेंगे सभी अपने शासन प्रशासन का, सहयोग भी रहा है और बहुत दूर तक बहुत कई जिलों के लोग यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले सहारनपुर का होने के नाते मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद व्यक्त करूँगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया की लड़ाई थी, लगातार जिस तरीके से काम हुआ और जिस तरीके का रोष उत्पन्न समाज में हुआ तो उससे ये पूरा आंदोलन खड़ा होने का काम हुआ है। ऐतिहासिक जो यात्रा हुई है तो ये पूरी यात्रा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो इस तरीके की भड़काऊ पोस्ट आई है, देखा, मेरा कहना यह है कि 4-5 लोग इधर हैं, 4-5 लोग उधर हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को समाज से ना जोड़े, क्योंकि समाज से जब कोई चीज़ें जुड़ जाती हैं तो ये बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। और सबसे पहला धन्यवाद मैं ये करूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में तमाम लोग इकट्ठे हुए, युवा साथी, हिंदू मुस्लिम गुजर सब लोग इकट्ठे हुए, इसमें सर्व समाज के लोग थे, कोई किसी प्रकार का यहाँ कोई हिंसा, कोई मतलब ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, उसके लिए सबका धन्यवाद। जी जी जी। अभी भाई है नोएडा से, आप क्या कहोगे? दिल्ली से हाँ। और दिल्ली में कहते हैं, एनसीआर में कहते हैं गुजरों का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बन जाते हैं गुर्जरगढ़ में, चलो खैर सहारनपुर की अलग बात है, लेकिन गुर्जरगढ़ नोएडा में दूसरी अन्य बिरादरियों के कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए बन जाते हैं वही भाई से जानेंगे। यात्रा तो समापन हो चुकी है, क्या कहोगे भाई इसके बारे में? सर्वप्रथम तो मैं यात्रा के बारे में बोलूँगा कि मैं हृदय से अपनी युवा शक्ति का धन्यवाद करता हूँ। ये युवाओं के द्वारा ही जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने इतना संघर्ष किया और इस यात्रा को गुर्जर सम्राट वीरभोज गौरव यात्रा को जो सफल बनाया उसके लिए हृदय से बहुत बहुत मैं अपने युवा साथियों को धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से, ठीक है जी। और रही बात ये कि भाई ऐसा है कि अगर दिल्ली एनसीआर में बाहरी लोगों की संख्या ज़्यादा है हम लोगों से, और हम लोग थोड़ी सी वहाँ कमी ये करते हैं कि वोटर भी हम ही बनाते हैं उनको, जैसे कि हमारे किराए पर रहते हैं। मेरे गाँव की आबादी लगभग 6,000 है और काफ़ी बड़ा गांव है गुजरों का, लेकिन गुजरों की आबादी उसमें 6,000 के आसपास है, तो लेकिन वहाँ की जो वोट है वो लगभग 17,000 है, तो 6,000 में और प्लस आप जोड़ लीजिए वो अलग जो हैं वो बाहरी लोग हैं, वो किराए पर रहने वाले लोग हैं, तो उनके द्वारा वो अपनी पार्टी चुनते हैं। आप केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल जो मुफ्त की लोगों को लालच दे रहा है, जो वहाँ के निवासी मूल निवासी हैं उनको किसी भी चीज़ की इस प्रकार के जो है फ्री के लालच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा योगदान भी है, सहयोग भी है जो केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। रही बात नोएडा की, नोएडा में भी आप देखो तो गुजरों की संख्या ज़्यादा नहीं है, गुजरों के कुछ ही गाँव, मतलब ये है कि आवाना है वो उनके 12 गाँव आते हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन बाहरी लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ जो गुर्जर कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाता है, मौका दिया भी जाता है तो उसको विजय प्राप्त नहीं होती। जी जी। अमित भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोगों को पूरी स्थिति परिस्थिति का पता है, उनको सब कुछ पता है,
कुछ लोगों ने एक बहुत बड़े संगठन का नाम लेकर आरएसएस का नाम लेकर के इस यात्रा को शुरुआत की थी। हमें नहीं पता उनके पास परमिशन थी या नहीं थी या उनका क्या आयोजन था, लेकिन उन्होंने समाज से चंदा इकट्ठा करने का काम किया, उन्होंने समाज के युवाओं को जगाने का काम किया, लगातार लोगों के बीच में पहुँचे। बड़ा, बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते चंदा इसमें इकट्ठा हुआ है। और आप समझिए कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा 10 तारीख को यात्रा निकलेगी, फिर 18 तारीख को पंचायत में कहा कि हमें परमिशन मिल रही है, 25 तारीख में निकलेगी, फिर कहा 28 तारीख की परमिशन हो रही है, और 29 तारीख का समय भी उन लोगों का ही धरा हुआ था। उन्होंने कहा कि 29 तारीख में हमें परमिशन मिलेगी, और बड़े किसी अधिकारी का वे नाम लेना चाह रहे थे, वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं यहाँ उस कैमरे पर उसका नाम नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा अपने शासन प्रशासन और ख़ासकर कप्तान साहब से और डीएम साहब से कि उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें, और समाज में इस तरीके की दोबारा कोई इस तरीके का मामला दोबारा ना हो पाए। जी, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कहना चाह रहा था अमित भाई, मैं ये कहना चाह रहा था जो एक दो महीने से ठेकेदार बन रहे थे बिरादरी के, और वो बीच में छोड़ कर जो भागे हैं भाई, हम इतना पिछले 6-7 दिन से जो इस पूरे प्रकरण का मामला सब देख रहे थे, इन्होंने जो इतनी मेहनत करी है, 2 दिन इन्हें खाना खाए हुए, 3 दिन से कपड़े नहीं बदले। मैं बिरादरी की तरफ से और अपनी व्यक्ति, मेरा गांव टिकोला है उत्तराखंड में, मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से अमित भाई का इतना धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बिरादरी को जगाने का काम करा। और ये तो बिरादरी ऐसी है, तो 10-15 दिन तो भूखे लड़ जाएंगे हम, रोटी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, कहाँ से कोई आगे आने का ही नहीं, खाम ही वैसे धर्म के ठेकेदार बनते फिर हैं। तो उन लोगों को, मतलब प्रशासन हकीकत में उन लोगों को ना जेल भेजने का काम करे समाज को। अभी यात्रा समापन हो चुकी है और हमने आपसे लगातार इस कवरेज को दिखाने की पूरी कोशिश की है, और वादा करते हैं लगातार आगे भी दिखाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। जुड़े रहेगा गांव गुवान के साथ। जय हिंद, जय भारत।